देश प्रदेश में कोरोना कहर मचा रहा है, वहीं कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना की आड़ में लोगों के साथ लूट मचा रहे हैं। बात हरियाणा की सीएम सिटी करनाल की करें तो यहां लगातार जिला प्रशासन को प्राइवेट हॉस्पिटलों की ऐसी ही शिकायतें मिल रही थी, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है और उस निर्देश को जारी किया है जो 2020 में हरियाणा सरकार ने जारी किया था। यानी अगर तय रेट से कोई ज्यादा पैसे प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करेगा तो फिर उस पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, नहीं तो पब्लिसिटी इसकी और ज्यादा मैंने बोला है कि और करें कि प्राइवेट में भी जो कोरोना का ट्रीटमेंट के जो पेशेंट्स के रेट्स हैं कि ऑक्सीजन बेड जो है, अगर मान लिया ऑक्सीजन बेड है उसका 11,000 है, 8, 12 और 15 के तीन रेट हैं, 8,000 अगर मान लिया नॉन ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन आईसीयू है तो 15 है, और उसमें सारे खर्चे कवर्ड है एक्सेप्ट में भी जो क्रिटिकल मेडिसिन है, और उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि क्रिटिकल मेडिसिन की भी कोई सप्लाई की प्रॉब्लम ना आए। ऑक्सीजन के लिए भी हमने बात करी है कि हमारे यहाँ तो दिल्ली से लोग आके भरवाते हैं, हमारी तो पानीपत रिफाइनरी में ऑक्सीजन की फैसिलिटी है, तो वो भी हमें प्रायोरिटी पे हरियाणा को ऑक्सीजन भी मिलेगी। दवाइयों की भी प्रबंध जो है ना वो स्टेट की तरफ से भी किया जा रहा है, हमने बात करी है। तो इस प्रकार से बड़ा स्पष्ट है कि ओवरचार्जिंग नहीं कर सकते और कोई फ्लीसिंग नहीं हो सकती। इसी तरह से रेमडेसिविर के जो रेट्स फिक्स किए गए हैं, तो हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं, हमारे जो अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, वो भी लगातार इस बात के ऊपर बाकायदा रैंडम चेकिंग के थ्रू ये इंश्योर कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि पेशेंट्स अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो हमारे कैप लगाए गए हैं प्राइसेस के, वो किसी भी सूरत में ब्रीच नहीं होंगे और कोई भी ओवरचार्जिंग नहीं करेगा। कोरोना के केसेस पिछले कुछ समय में अलार्मिंग रेट पे बढ़े हैं, और इस वजह से जो हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, उन पर प्रेशर आना शुरू हुआ है, बर्डन बढ़ा है। और इस संदर्भ में करनाल जिले में कुछ मामले मेरे सामने आए हैं, जिसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रेट लोगों से चार्ज किए हैं। कई लोगों की इस तरह की शिकायतें हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर डे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेट उनसे चार्ज कर रहे हैं। तो मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने पिछले साल 2020 सितंबर में एक गाइडलाइन जारी की थी, और उसमें कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए पर डे रेट रिजर्व किए थे। कोई भी अस्पताल इन रेट से ज़्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारी नॉन NABH हॉस्पिटल्स हैं, उनमें अगर कोई एक दिन के लिए आइसोलेशन बेड इस्तेमाल करता है विद ऑक्सीजन सपोर्ट, तो उसमें 8,000 रेट फिक्स किया गया है सरकार के द्वारा। ICU विदाउट वेंटिलेटर केयर अगर कोई यूज करता है 13,000 उसका रेट है, और ICU विद वेंटिलेटर कोई करता है तो 15,000 रेट है। इसी प्रकार से NABH हॉस्पिटल्स के लिए आइसोलेशन बेड्स का रेट 10,000, ICU विदाउट वेंटिलेटर 15,000 और ICU विद वेंटिलेटर 18,000 रुपये मैक्सिमम निर्धारित किया गया है। यानी कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन रेट से ज़्यादा किसी भी पेशेंट से चार्ज नहीं कर सकता है। ये रेट्स पर डे रेट्स हैं, और ये रेट्स एज ए पैकेज हैं, इनमें सारी की सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। यानी इसमें जो भी पेशेंट्स को दवाइयाँ दी जाएंगी, मेडिसिन दी जाएंगी, वो भी इंक्लूडेड हैं। जो लैब इन्वेस्टिगेशन होगा, लैब टेस्ट होंगे, वो भी इंक्लूडेड हैं। जो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होगा वो भी इसमें सम्मिलित है। जो भी मॉनिटरिंग चार्जेस हैं, ड्रग्स एंड मेडिसिन हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। जो भी कंज्यूमेबल्स लगते हैं, PPE किट्स हैं, मास्क हैं, वो सब भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ग्लव्स वगैरह भी इसमें शामिल हैं। फिजियोथेरेपी और कोई प्रोसीजरल चार्जेस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह वो सब भी इसमें इंक्लूडेड हैं। जो पेशेंट हैं उनकी डाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से कंप्लीट पैकेज है, कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन रेट से ज़्यादा किसी भी कोविड पेशेंट से चार्ज नहीं कर सकता। अगर आपके सामने इस तरह का कोई मामला आता है जिसमें कोई हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन इससे ज़्यादा रेट चार्ज करता है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर 1950 पे अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। धन्यवाद। जिला उपायुक्त की माने तो इस चार्ज में हॉस्पिटल में मरीज को सब मिलेगा, यानी ये फुल पैकेज है। दवाइयों से लेकर लैब टेस्ट, डाइट और भी तमाम चीजें जो उस वक्त इलाज में प्रोसेस मिलाई जाती हैं। ऐसे में कोई ज्यादा पैसे चार्ज करने का प्रयास करता है तो जिला हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कर सकता है या फिर DC कार्यालय में शिकायत कर सकता है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन का ये एक अच्छा कदम है, ताकि कोरोना के वक्त हो रही लूट पर ब्रेक लगाई जा सके। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।